दोस्तों, आप सबने सीडी का यूज तो किया ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो सीडी है ये काम कैसे करता है? यानी इतना सारा डेटा या इतनी सारी मूवीज एक सीडी में कैसे स्टोर होती है? क्योंकि अगर आप पेन ड्राइव की बात करते हो तो पेन ड्राइव के अंदर एक चिप होती है जिसकी वजह से डेटा उसमें स्टोर होता है, लेकिन यहाँ सीडी में ना ऊपर ना नीचे ना अंदर ना बाहर कहीं पे भी कोई चिप नहीं होती, तो इनमें डेटा स्टोर कैसे होता है? तो बने रहिए आप इस वीडियो में, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सीडी कैसे काम करता है, साथ ही जो इसके टाइप्स है जैसे कि कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया या फिर डीवीडी हो गया या ब्लूरे हो गया, इनमें क्या फर्क होता है और ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सीडी की। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो दोस्तों, अगर आपने कभी सीडी पे नोटिस किया होगा तो जो उसका सरफेस है वहां पे आपको रेनबो टाइप के कलर जो है वो शो हो रहे होते हैं। एक्चुअली में वो जो उसका सरफेस होता है वो डिजिटल डेटा को स्टोर करता है। एक चीज तो आपको अच्छे से पता है कि कंप्यूटर जितनी भी भाषा समझता है वो 0101 के फॉर्म में होता है। तो जितनी भी आपकी फाइल्स है जो आप सीडी में डालते हो वो उस वाले सरफेस पे स्टोर हो जाती है। अब जब आप उस सीडी को प्लेयर में लगाते हो तो आपने नोटिस किया होगा सीडी घूमती है, तो जब वो इस तरीके से घूमती है तो उस प्लेयर के अंदर में रेड लेजर के थ्रू उस पे वो रेड लेजर चलाई जाती है, जिसकी वजह से वो उस डेटा को रीड करता है कि उस सीडी में क्या चीज है। क्लियर हो रहा है? अभी जो सीडी है आपकी 1990 में इन्वेंट हुई थी, लेकिन ये जो सीडी है इसमें काफी ज्यादा फाउंडेशंस भी थी। जैसे स्टार्टिंग की जो सीडी थी उसमें ये था कि अगर आपने एक बार फाइल डाल दी तो आप उसे इरेज नहीं कर सकते, आप उसे दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें सिर्फ 700 MB तक का ही डेटा आप स्टोर कर सकते थे। तो ये कह लेते हैं कि इसका जो अपडेट वर्जन है वो है डीवीडी। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब ये जो डीवीडी है वो जो सीडी के मुकाबले वो 20 गुना ज्यादा पावरफुल है। मतलब है इसमें भी क्या है कि आपका जो सरफेस है उसमें डेटा स्टोर होता है, और रेड लेजर के थ्रू जो प्लेयर के अंदर रेड लेजर होती है उसी के थ्रू वो जो डेटा है वो रीड होता है। लेकिन इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो सीडी है वो आपका स्टोर कर सकता था 700 MB तक का डेटा, लेकिन अगर मैं बात करूं डीवीडी की तो ये 4 GB से लेके 8 GB तक का जो डेटा है वो स्टोर कर सकता है। साथ ही में जो इसकी स्पीड है वो आपका जो सीडी है उससे काफी गुना ज्यादा है। अब स्पीड इन द सेंस क्या है कि अगर आप कोई भी डेटा कंप्यूटर से सीडी में ट्रांसफर कर रहे हो तो एक टाइम लगेगा उस डेटा को वहां पे जाने के लिए। तो अगर आप सीडी और डीवीडी का कंपैरिजन लो तो सीडी के मुकाबले डीवीडी में वो जो डेटा है वो ज्यादा जल्दी जाएगा। तो जो स्पीड है डीवीडी की वो सीडी के मुकाबले ज्यादा अच्छी है, चाहे वो प्ले के बेस पे हो या फिर लोडिंग के बेस पे हो। अब जो तीसरा टॉपिक है वो है ब्लूरे डिस्क। अब ब्लूरे डिस्क क्या होती है? देखो, ब्लूरे जिस तरीके से आपने देखा कि सीडी का अपडेट था डीवीडी, इसी तरीके से डीवीडी के बाद भी जो अपडेट है वो है ब्लूरे डिस्क। अब ये जो ब्लूरे डिस्क होता है इसमें थोड़ा सा फर्क है। पहली चीज कि इसकी जो स्पीड है वो आपकी सीडी डीवीडी के दोनों के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। जहां आप डीवीडी में 4 से 8 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते थे, वहीं आप ब्लूरे डिस्क में 25 से 50 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हो। साथ ही जो इसकी स्पीड की बात करें तो इससे 10 गुना ज्यादा स्पीड ब्लूरे डिस्क की है। अगर मैं डीवीडी और ब्लूरे की कंपैरिजन करूं तो वहां पे जो ब्लूरे डिस्क है उसकी जो स्पीड है वो डीवीडी के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन इन दोनों में भी एक और फर्क है कि यहाँ पे जो सीडी और जो आपकी डीवीडी थी ये जो डेटा रीड किया जाता था ये रेड लेजर के बेस पे किया जाता था, लेकिन जो ब्लूरे डिस्क है इसमें जो डेटा रीड किया जाता है वो ब्लू रेज जो होती है उनके बिहाफ पे डेटा को रीड किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये थे दोस्तों टाइप्स ऑफ डिस्क, जिसमें आपने ये सीखा कि पहली बात तो जो डिस्क है वो काम कैसे करता है, साथ ही ये जो आपका सीडी है या डीवीडी है और ये जो ब्लूरे डिस्क है इनमें क्या फर्क होता है। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही दोस्तों एक कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।